हम ग्लास स्लाइड यूज करते हैं उसके ऊपर, ये मैंने कवर स्लिप ग्रे कलर में बनाई है। यहाँ पे एक स्लाइड है उसके ऊपर आपने कवर स्लिप लगा देनी है, और सॉल्यूशन आपने इसमें कितना डालना है, मैक मास्टर में अगर आपको अभी मैंने बताया था कि दोनों साइडों में 0.15 0.15 ऐड करते हैं और टोटल करके उसे हम कर लेते हैं 0.3। लेकिन स्टॉल मेथड में हम इसमें सिर्फ जो है, सॉरी, स्टॉल मेथड में जो है हम टोटल जो है हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे 0.15 ml। इसमें 0.3 नहीं है, जैसे मैकमास्टर के एक चैम्बर में 0.15 ml था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी 0.15 ml हम सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैकमास्टर में और स्टॉल में जो डिफरेंस है, एक तो ये आ गया, ये जो हम सॉल्यूशन कितना डालते हैं। दूसरे नंबर पे मैकमास्टर में हम यूज करते थे कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, लेकिन स्टॉल मेथड में हम टैप वाटर यूज करेंगे या आप शुगर सॉल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे, अच्छा तीसरा आपको मैं बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पे देखें। इसमें फॉर एग्जांपल वाटर हमने ले लिया 42 ml, फीकल मटेरियल ले लिया 3 ग्राम। ठीक है, उसमें 60 ml का सॉल्यूशन और 2 ग्राम फीकल मटेरियल, इसमें मैंने लिया 42 ml वाटर और 3 ग्राम फीकल मटेरियल। अच्छा, उसमें मैंने आपको नहीं बताया था कि आपने कुछ भी करना है, आपने सिंपल जितना लिया उसकी आपने कैलकुलेशन कर दी। लेकिन जो स्टॉल मेथड है इसमें हमने 42 और 3 इनको प्लस कर देना है, मतलब जो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा और जितना आपके पास फीकल मटेरियल है उन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो आ गया 45 ml टोटल। ठीक है, टोटल इसको हमने कर देना है, उसमें हम टोटल नहीं करते लेकिन इसमें हम टोटल कर देते हैं यहाँ पे। और ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया हमने 0.15 ml में करनी है सारी। ठीक है, अब हम अगर काउंटिंग में कहती हूँ, करती हूँ 0.15 ml मैंने स्लाइड पे लगा लिया और उसमें मुझे 15 eggs फॉर एग्जाम्पल नजर आ गए। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, 45 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन फीकल मटेरियल कितना हमने ऐड किया था 45 ml में, 45 ml टोटल हमने कर लिया था ना, तो इसमें हमने 3 ग्राम फीकल मटेरियल ऐड किया था। अब अगर मैं कहूँ 1 ग्राम में कितने हैं तो वो 3/45 हो गया, और अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है 0.15 ml में। ठीक है, वहां हम 0.3 में टोटल कैलकुलेशन कर रहे थे, अब यहाँ हमने करनी है कि 0.15 ml ऑफ फीकल मटेरियल ऑफ सॉल्यूशन कंटेन फीकल मटेरियल हाउ मच, 3/45 मल्टीप्लाई बाय 0.15। अब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं, आंसर आ गया हमारे पास इस सारी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 1/100 ग्राम। ये आप अपनी नोटबुक्स पे करके भी देख लें, 1/100। तो 0.15 में मैंने एग कितने काउंट किए थे इसके 15, और फीकल मटेरियल अभी मैंने कितना काउंट किया है 1/100 ग्राम। तो 1/100 ग्राम जो फीकल मटेरियल था उसमें टोटल कितने एग्स हैं 15, तो अगर 1 ग्राम में करने हो 1 = 15 × 100 एंड आंसर विल बी 1500 एग्स। ठीक है, ये तो आ गई ईपीजी यानी एग्स पर ग्राम्स। अब 3 ग्राम में कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4500, 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, हाँ जी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें इन दोनों मेथड्स में अगर आप देखें तो डिफरेंस आ गया कि वहां पे हमें एग्स मिले पर ग्राम तो हमारे पास सेम आई दोनों की, लेकिन जब हमने टोटल जो फीकल मटेरियल था उसका 2 ग्राम था उसमें निकले 3000 एग्स, और इसका 3 ग्राम था इसमें निकले 4500 एग। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अब आप इनकी प्रैक्टिस कर लें खुद से, और ये फाइल जो है मैं सीआर को शेयर कर दूंगी, ग्रुप में आप सर्कुलेट कर दें, और तलहा आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें जल्दी से। जी मैं कर दूंगी।
क्लास है उसमें आपने ब्लड एग्जामिनेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, वो आपने रिवाइज करके आना है, ठीक है? मैं आपसे इवेल्युएशन भी कर लूंगी और रिपीट भी आपको करवा दूंगी, ओके ठीक मैम। है? ब्लड एग्जामिनेशन वैसे मैंने स्टार्ट करवा दिया हुआ था।